अब हम करेंगे को एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1। डिफ्रेंशिएट द कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो जब भी दो फंक्शन जो हैं अगर मल्टीप्लिकेशन में हो, दो या दो से ज़्यादा, तो उसमें हम दो तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मान लो u एक फंक्शन है और एक v फंक्शन है, तो यहाँ पे हम पहले फर्स्ट सेकंड लगा के भी डिफरेंशियल कर सकते हैं। फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल। और अगर दो से ज़्यादा है, मान लो यहाँ पे एक और फंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सेकंड मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, फिर इन दोनों में इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लेंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान चीज़ होती है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन हो तो उसमें लॉग ले लो। तो यहाँ पे देखो, इसको हम मान लेते हैं वाई कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स, और लॉग सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन में काम नहीं करता है बल्कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी काम करता है। यहां पे हम क्या कर लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है, तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स। अब यहां पे जब भी लॉग लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में जो फंक्शन होते हैं उनमें बीच में प्लस आ जाता है। जैसे ये देखो, ये आ जाएगा लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस टू एक्स प्लस लॉग कॉस थ्री एक्स लॉग वाई, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे लॉग का डिफरेंशियल क्या होता है, वन अपॉन एक्स, तो यहाँ पे एक्स के जगह पर वाई है तो ये आ जाएगा वन अपॉन वाई। फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। इधर देखो, लॉग का डिफरेंशियल क्या होता है, वन अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा वन अपॉन कॉस एक्स। फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे, कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन एक्स। प्लस लॉग का डिफरेंशियल करेंगे, वन अपॉन एक्स यानी एक्स की जगह पर कॉस टू एक्स। फिर कॉस का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस का साइन टू एक्स, और फिर इस टू एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा टू। प्लस यहाँ पे लॉग का डिफरेंशियल वन अपॉन एक्स यानी कॉस थ्री एक्स, उसके बाद में कॉस का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस का साइन एक्स, साइन एक्स मतलब साइन थ्री एक्स, और फिर थ्री एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो थ्री। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा माइनस का टेन एक्स, और यहाँ पे माइनस साइन टू एक्स अपॉन कॉस टू एक्स, ये हो जाएगा, ये टू साथ में लिख लेंगे, माइनस का टू टेन टू एक्स। यहाँ पे ये थ्री आ जाएगा, साइन थ्री एक्स अपॉन कॉस थ्री एक्स टेन थ्री एक्स, ये आ जाएगा, और इधर आएगा वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब चूंकि यहाँ पे ये वाई है इसको हम इधर लिख लेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे पूरे में माइनस कॉमन ले लेंगे और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स, और ब्रैकेट में आ जाएगा टेन एक्स प्लस टेन टू एक्स प्लस, यहाँ पे टू भी रहेगा, थ्री टेन थ्री एक्स, ये आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।